वैसे सब तो वड्डी गलती मेरी है कि अज मैं तुहानू दस रहा हाँ हज़ारा क्वेश्चन के जवाब तो उसके वीडियो भी बना चुका हाँ। कदे भी क्वेश्चन पूछना है अपनी यूनीवर्सिटी जरूर दसो क्योंकि यूनीवर्सिटी के नाल स्पेसिफिक गाइडेंस दिती जाती है इनफॉर्मेशन दिती जाती है और टाइम मेरा भी तुहाडा भी बचता है। मैनू ये सोचण ते कई बार पूछना पैंदा है कि यूनीवर्सिटी कहड़ी है। क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे गए ने इस वीडियो विच सीखा जा सकता है लेकिन यूनीवर्सिटी जरूर दसो। ये पूछ रहे ने मैं कन्फ्यूज़ हाँ एडिशनल एग्जाम ग्रेजुएशन चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी तो की है। वेरी गुड, इन्होंने यूनीवर्सिटी दसी हुई है। ये चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी तो ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश पंजाबी ए हो गया, इलेक्टिव इंपॉर्टेंट और हिस्ट्री है ना, ओके होम साइंस, ये तीन इन्हों के बन गए मेन सब्जेक्ट। आई ऑलसो हैव क्लीयर्ड एम ए इंग्लिश, बिल्कुल। सो इन्हों इंग्लिश का बेस्ट इन्हों का बन रहा है। दिस ईयर आई वॉन्ट टू हैव इंग्लिश एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट इन माई टी जी टी एंड पी जी टी। थस प्लीज़ गाइड मी वट सब्जेक्ट शुड आई चूज फॉर एडिशनल एग्जाम फॉर फ्रॉम वेयर वुड आई नो अबाउट द एग्जाम फॉर्म। एग्जाम फॉर्म के बारे जान लो सारी यूनीवर्सिटिया के, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला दे, चंडीगढ़ दे और पंजाबी यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ दे और गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी मेरे दे जस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कई दस दिन पहल कई अज पंजाब यूनीवर्सिटी के अज स्टार्ट हो चुके हैं और 25 सितंबर उन्होंने लास्ट डेट है, पंजाबी यूनीवर्सिटी की 30 सितंबर लास्ट डेट है। सो महीना है, तुम आराम न फिल कर सकते हो। फ्रॉम वैदर इट विल बी ऑन वैबसाइट, यस होएगा। एंड गिवन द एंट्रेंस एग्जाम एज सर आई हैव नॉट गिवन द एंट्रेंस एग्जाम एज प्लैन लेट। मैं ये नहीं समझा कि तुम बी एड ली प्लैन करना है जे फिर मैनेजमेंट कोटा है ना, मैनेजमेंट कोटे जाके थोड़े पैसे ज़्यादा दे के एडमिशन लै सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुण तुहानू एडिशनल एग्जाम देन दी जे पुछ रहे हो तो इलैक्टिव इंग्लिश पढ़ी है, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश तुसी बी एड विच लो है ना, उस दे नाल तुहानू कितना डबल फायदा है। इत्थे तुसी एलिजिबल हो गए, इहदे नाल तुसी इत्थे लिखण लगा हाँ टी जी टी लई क्योंकि इलैक्टिव पंजाबी पढ़ी है, क्योंकि तुसी एम ए इंग्लिश भी की है, पी जी टी लई भी एलिजिबल हो गए। हुण तुसी कन्फ्यूजन तुहाडी है कि हिस्ट्री ते होम साइंस, जे तुसी एस एस टी लई जाना चाहते हैं पी जी टी लई है ना, जे सिर्फ हिस्ट्री पी जी टी लिए जाने तो तुहानू एम ए हिस्ट्री करनी पएगी। एम ए हिस्ट्री करन तो इहदे बाद तुसी पी जी टी लिए एलिजिबल हो जाओगे, होर कुछ नहीं करना पएगा। जेकर तुसी एस एस टी कर रहे हो तो पैडागोजी ऑफ एस एस टी तुसी बी एड च लो है ना, जेकर बी एड च हिस्ट्री लै ली है तो एम ए हिस्ट्री करो पी जी टी लिए बन जाओगे। जेकर हिस्ट्री के बेस पर एस एस टी ऑफ पैडागोजी पंजाब यूनिवर्सिटी मिल जाती है लै रहे हो, फिर तुसी तुहानू एडिशनल पेपर पोलीटिकल साइंस का, क्योंकि स्कूल सब्जेक्ट है इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं, जोग्राफी भी दे सकते हो, इकोनॉमिक्स भी दे सकते हो, पॉलिटिकल साइंस का तुहानू देना पएगा। वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नहीं लेंदी क्योंकि लैंग्वेज का ही एडिशनल लेंदी है, तुहानू पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तुहानू केस क्वेश्चन तुसीं पुछ के काफ़ी फायदा करवा लिया। लेकिन सोच लो दूसरी यूनिवर्सिटी लै लेंदी है, लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी इत्थे सब तो ज़्यादा रिलैक्स है, उधर तुसीं जाके बी एड अते पोलीटिकल साइंस का एग्जाम नाल नाल दे के कर सकते हो। जेकर नाल नहीं करना उस तो बाद च करना है, बी एड करन तो बाद विच है ना, तो फिर भी तुहानू पर वो यूनिवर्सिटी करवाउंदी नहीं है, तुहानू दूजी यूनिवर्सिटी तो ही करना पएगा, ये जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नैक्सट क्वेश्चन है सरप्रीत खालसा कोल अमृतसर की फीस दे, इस तरह मैं नहीं दस सकता। वैसे आंसर दिता हुआ है किसी ने कि जेडे उत्थे पढ़ते ने 64,000 रुपया पर ईयर है सर की सैकेंड काउंसलिंग विच, हाँ इस ते वीडियो बना दिता है। गुड मॉर्निंग सर, साइंस ते लैंग्वेज चूज करन तो बाद की मैं पी जी टी लई एलिजिबल हाँ? नहीं, तुसी साइंस चूज करके टी जी टी लई एलिजिबल हो, ओके। लैंग्वेज चूज करके फॉर एग्जाम्पल मैं लै रहा हाँ इंग्लिश चूज की है हाँ, तुसी फिर तुसी जे एम ए इंग्लिश करते हो, एम ए इंग्लिश करते हो फिर पी जी टी लिए भी एलिजिबल, पी जी टी लिए एलिजिबल हो, और लैंग्वेज जे इलैक्टिव कर लेंगे हो ग्रेजुएशन बी ए दी और फिर तुसी टी जी टी लिए भी एलिजिबल हो। ये तुहानू करनी पैनी है, पहला ये करनी चाहिए है, एम ए इंग्लिश बाद विच सोचना चाहिए है। बायोलॉजी फील्ड विच की मैं पी जी टी लिए एलिजिबल हाँ बायोलॉजी फील्ड विच, नहीं तुहानू उहदे लिए बायोलॉजी फील्ड एलिजिबल होने लिए लाइफ साइंस, टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस पढ़ना पड़ेगा आफ्टर एम एस सी सर प्लीज़। रिप्लाई हो गया जी, रिप्लाई, होर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो 8427458483।
ते फोन भी कर सकते हो। सर एडिशनल पेपर इंग्लिश का सिलेबस कितों देखना है? इतने तुम मैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं दसी कि यूनिवर्सिटी कही है, पहले यूनिवर्सिटी दसो। वैबसाइट पर अवेलेबल है सिलेबस, उन्होंने रैगूलर सिलेबस ही है। जे थोड़ा 10-12 साल फॉर एग्जाम्पल पहला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एनुअल होया है तो सिलेबस वक्रा हैगा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का लेटैसट सिलेबस है, उ ही तुम देखना है। किसी भी विद्यार्थी तो देख सकते हो, वैबसाइट पर देख सकते हो। एडमिशन करवाने तो किन्ने टाइम बाद माइग्रेशन सबमिट करवाना हुंदा है? मैं GNDU तो MA की है, BEd PU तो करनी है। कहते हैं कि ऑल सैम दे ओरिजिनल डैम DMC ते माइग्रेशन PU जाने, हाँ नहीं सारे नहीं जाते। जेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो तुसी कीती हुई है तां मोस्टली जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वह भी लास्ट जाता। साड़ी यूनिवर्सिटी पटियाला यूनिवर्सिटी सिर्फ DMC BA का लास्ट जाता है। ओके जिहदे आधार ते तुसी एलिजिबल होए हो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी ओरिजिनल नहीं जाते, जी सब तो सख्त यूनिवर्सिटी है, सिर्फ उदों जाते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चो है। इक्वलेंस लैनी पैंती है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है, जो पंजाब तो बाहर की यूनिवर्सिटी है। सो ऐदा हुंदा नहीं है, फिर केस तुहाडा होएगा, वो मंग रहे हैं ठीक ही मंग रहे होंगे, मैं किसी भी गलत नहीं कह सकता। वेरीफाई होने 4-5 मंथ बाद वापस मिलणगे एडमिशन। तुसी कहड़ी यूनिवर्सिटी जाना है? PU चंडीगढ़ जाना है, उहदा पता कर लाँगा मैं। एडमिशन तो बाद किन्ने दिन च कॉलेज वालियां नूं देने हुंदे हन? मैं हुण ते माइग्रेशन किया है, हाले 15 दिन लगे मिलन च बहुत। माइग्रेशन का मैं टाइम नॉर्मली विद इन 1 मंथ यूनिवर्सिटी में जमा होना आता है। तो कॉलेज क्या करते हैं कि 15 दिन में यहाँ पर वो 15 दिन आपको दे देते हैं। तो क्योंकि 15 दिन में यूनिवर्सिटी आता नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन लग जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बहुत कम आते हैं जो टाइमली आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सभी पर जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है 15 दिन का बोला जाता है कि विद इन 15 डेज हो जाता है ना माइग्रेशन आ जाता है, लेकिन होता नहीं है ऐसे, इससे ज़्यादा दिन लग जाते हैं। अगर ऑब्जेक्शन है तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो कहती है कि 7 दिन में आ जाता है, मैंने फ़ोन करके पूछा था, लेकिन आप 15 दिन मिनिमम लेके चलो। और 15 दिन एडमिशन होने के बाद, आप जिस दिन आपकी एडमिशन डेट है उससे 15 दिन बाद, क्योंकि स्टूडेंट रिटर्न जानी होती है, वैसे उसकी अलग से डेट होती है, तो 15 दिन कॉलेज डिमांड कर लेता है, लेकिन 1 मंथ होता है, ये 30 डेज हो गए आपके पास। 30 डेज तक यूनिवर्सिटी तक पहुंचना चाहिए। नेचुरली कॉलेज बिल्कुल ठीक है, वो 15 दिन कहते हैं, आप 20 दिन बाद 25 दिन बाद देते हो, कई बार फ़ोन करना पड़ता है, उस इसके बाद फाइन पड़ता है यूनिवर्सिटी, कम से कम 1,000-1,500 के करीब ऐसे है ना फाइन पड़ता है, ये ऐसे होता है, 2,000 भी हो सकता है जैसे जैसे डिले होता है। दैट इज़ वाई अभी अप्लाई आप कर दीजिए, ये बेटर है। नेक्स्ट सर, जहाँ आपां सैकेंड काउंसलिंग विच कॉलेज अलाउड हो जाता है तो असी कॉलेज शिफ्ट करवा सकते हाँ सैकेंड, मतलब थर्ड विच? देखो ऑप्शन है, बनी रहती है थर्ड तो, ए उस तो बाद यूनिवर्सिटी GNDU अमृतसर का रोल नहीं होएगा, उन्होंने जस्ट निर्देश दे देना है, जे देंदे हैं, मैं मेरे ते ना जाइयो, जे दे देंदे हैं कि जिन्होंने कंबाइंड एंट्रेंस टैसट दिता है कॉलेज वाइज, कॉलेज जिस कॉलेज में अप्लाई करके कॉलेज मैरिट लिस्ट बना के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके एडमिशन कर सकता है। फिर सब तो आसान काम हो जाना, जिथे तुसी एडमिशन लेनी उत्थे जाके आराम नाल एडमिशन ले सकते हो। 90% कॉलेज फिल नहीं होए होंगे, उन्हां विच 10-20-25-30% सीटा खाली हो सकदियां हन। सो तुसी उत्थे कॉलेज इदां शिफ्ट होएगा, और फिर काउंसलिंग के जरिए शिफ्ट नहीं होएगा। नैक्सट है सर, प्लीज़ दस दो कि मैं SST का टीचर बनना है, नाल कोई एडिशनल पेपर देने की लोड़ तो नहीं है? मेरे कोल BA विच कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं सी, जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी, सोशियोलॉजी। देखो ना, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट ही है, ये चुने गए हैं बिल्कुल, तुसी ए भी है, पब्लिक एड भी है, तुहाडे को तुसी SST ले ही एलिजिबल हो, SST ले ही एलिजिबल हो, है ना। और तुसी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़िया है, हाँ हिस्ट्री पढ़ी होंगी तो तुसी केंद्रीय विद्यालय नवोदया विद्यालय दे विच भी एलिजिबल होना सी, क्योंकि हिस्ट्री या ज्योग्राफी उत्ते पढ़िया होना चाहिए है। सर मैं BA PUP पटियाला यूनिवर्सिटी तो की है, लैंग्वेज का एडिशनल पेपर देना पऊ? हाँ जी देना पेगा बिल्कुल, लैंग्वेज का पक्का देना पेगा, ठीक कह रहे हो तुसी। सर प्लीज़ रिप्लाई कर दो, थर्ड बार मैसेज किया है, माफ़ी मंगता हाँ, मैं भी बिजी हूँ, मतलब
आंसर दे के कई आंसर बड़े रिपीट होंगे ने, मैं की करा, मैं समझ नहीं आ रही, पर चलो फिर भी जो टाइम लगता दे रहा हाँ, माफ़ी भी नाल मंग रहा हाँ। सर मैं हूँ बी एड विच मैथ्स पंजाबी लई है कि टी जी टी लई एलीजिबल हाँ, मैथ तो पंजाबी, जे तुसी मैथ 3 साल पढ़िया है, पंजाबी इलैक्टिव पढ़ी है तो एलीजिबल हो। तो सर मैं हूँ पी एस टैट विच मैथ साइंस फिल करना पऊ या एस एस टी? हाँ गुड क्वेश्चन यार, क्रिटिकल क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आने हैं, चंगी तरह सुनना है, 60 क्वेश्चन आने हैं, 60 के बच्चों 15 क्वेश्चन जड़े ने वो टीचिंग लर्निंग ना संबंधित होंगे कि कोई भी सब्जेक्ट है वो टीच किदा करना है, लर्निंग किदा करना है। नॉर्मली कॉमन होंगे हैं, मैं पंजाबी दे टीचिंग तो भी सॉरी एक दूसरे सब्जेक्ट की एक्सरसाइज करके भी ये टीचिंग दे 15 क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व कर सकता हाँ, जहाँ टैग वर्ड ने जो गल्लां असीं पहलां कीतियां होईयां हैं कि बेसिक सी डी पी जिहड़े फंडामेंटल टीचिंग दे पढ़े हुए हैं उन्होंने अपलाई करके 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 45 क्वेश्चन बाकी बचते हैं जिहड़े कि जे एस एस टी है तो 4 डिवाइड हो जाते हैं लगभग है ना, 11 क्वेश्चन लगे, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री इकनोमिक्स जोग्राफी पोलीटिकल साइंस ये डिवाइड हो जाते हैं। तो जे ये साइंस है मैथ तो ये तुम ये देखो कि 22-23 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन जोड़े ने मैथ के और 20-22 क्वेश्चन मैथ और साइंस विच डिवाइड हो जाते हैं। ये तुम्हें देखना है हूँ कि 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तुम अच्छे हिस्ट्री इकनोमिक्स जोग्राफी पंजाबी दे कर सकते हो, पोलीटिकल साइंस दे कर सकते हो, या मैथ ते साइंस दे सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए पिछले साल के पेपरों को देखा भी जा सकता है ना, वो पेपर दिखा भी देवगा मैं अगे चल के, हजे सीटेट शुरू ही किया है, थोड़े वीडियो उसते बेसिक तुम्हें लर्न करवा दी, उस तो बाद करते हैं। सो ये तुहाडी चॉइस है कि तुम ये की चूज़ करना है, जिदे 60 क्वेश्चन ज़्यादा बैटर सॉल्व कर सकते हैं, जो साइंस च मास्टरी है मैथ च मास्टरी है तो ये चूज़ करो वाली स्ट्रीम है ना, साइंस स्ट्रीम। जेकर तुम सोशल साइंस है तो फिर पर सोशल साइंस तुम क्यों करोगे, इतने तो मैथ तो पंजाबी लिया होया है, मैथ तो साइंस पी एस टेट में मैथ साइंस फिल करना है या एस एस टी फिल करना है, तुहाडा एस एस टी बनता ही नहीं है, मैं सारा कुछ रोंग कह गया। कई मैथ के नाल दूसरा सब्जेक्ट कई को है ना, एक दो अज आए इस तरह के जिन्हें ऑप्शन इस तरह बनती है, सो अजे रूल विच जे इदा की ऑप्शन बनती है एस एस टी है तो अच्छा। इस तो बिना भी मान लो तुम मैथ साइंस पढ़िया है लेकिन अच्छा तुम हिस्ट्री इकनोमिक्स कर सकते हो तो फिर भी पेपर दे सकते हो, पर अजे करो ना, तुम मैथ ही भरना है, तुहाडा आंसर सीधा ये है ना। मैं गलत डिटेल में चल गया, मतलब तुहाडे क्वेश्चन का जवाब नहीं होर किसी के क्वेश्चन का जवाब हो सकता है। नैक्सट करना सर, रिप्लाई माई क्वेश्चन केड़ा है सर, आपने मेरा बात का रिप्लाई नहीं किया, कहाँ है मुझे नहीं पता, चलो ढूंढ ले। सर मेरे अदर यूनिवर्सिटी तो हाँ, मैं कैसे अप्लाई करूँ, प्लीज़ गाइड मी। अदर यूनिवर्सिटी तो हो, अदर यूनिवर्सिटी तुम्हें दसनी चाहिए ना कि यूनिवर्सिटी है, जेकर वो पंजाब तो बाहरी है नैचुरली तुम उस यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन जितों लास्ट कोर्स किया है उसनों अप्लाई करना है, इसको थोड़ा व्डा करना। सो मैं यूनिवर्सिटी दसो फिर उसके मुताबिक आंसर दे दाँगा, नहीं तो 8427458843 सर मैं बी कॉम की हुई है जी, मैं सर मैं बी ए बी एड अडिशनल दे पेपर बारे पता करना सी जी, हूँ सर मैं एम कॉम कर रहा, सर की बी ए ते बी एड दोनों दे बोथ इकट्ठे पेपर दे सकते हाँ? दे सकते हो, कलैश की जिम्मेवारी सिर्फ तुहाडी है, प्लीज़ दस दो सर जी। मेरे ख्याल तुहाडी गल जो राकेश जी तुहाडी बांसल जी हाँ रामपुरा फूल तो है ना, इन्होंने गल हो गई है। सर जी पी एस टैट स्कोर इंप्रूव बारे दस दो, पी एस टैट जरूर दो, ताडे ही 95 मेरे ख्याल तुसी ओही केस हो, 95 है ना, तुसी 95 हो, इन्ने बीबे सियाने अच्छे हो डेडिकेटेड हो, तुसी 120 तक तो सोचो घट्टो घट्ट, 120 लैके जाने, इट मीनस 25 का डिफरेंस है, जी जान लगा के उसनों करो, नाल सिलैक्शन टैसट की तैयारी करो, जो तुसी दस रहे सी कोई अच्छे चैनल है ना उत्थों तैयारी की है उत्थों करो, जितों मर्जी करो इंप्रूव करो, पर है ना पी यू चंडीगढ़ भी बता दो। हाँ मैं इस एदा भी दस दिना है बिल्कुल, हैलो हाँ जी हैलो माइग्रेशन ये वाले देयर इज़ ओनली कॉलेज टू, नहीं ये नहीं है, हो चुका है सर हम वन डे ते। सत श्री अकाल सर जी, मैं पी यू चंडीगढ़ की पी यू सी एच एन ए कर रहा हाँ,
क्योंकि बी एड ले कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है फॉर बीसी कैटेगरी? प्लीज सर, है अवेलेबल, अप्लाई जरूर करो। मिनोरिटीज भी आदि हैं, सिख मिनोरिटीज भी आदि हैं, बाकी मिनोरिटीज भी आदि हैं। गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर रही, ये प्रॉब्लम है कि आवे ना आवे, पर तुसी लॉटरी तो पाओ, शायद निकल आए, है ना। एडमिशन करवाने किन्ने टाइम बाद हो चुकी गल्ला? मेरे ख्याल दैट्स ऑल। थैंक यू।